गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर चांदनी. दिस चैप्टर इज फॉर क्लास सेवेंथ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द चांदनी. स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू सप्लीमेंट्री रीडर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी वुड डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा. अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में है बेटा. सो वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा. तो इसमें एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अल्मोड़ा में रहता था. हिज नेम वॉज अबू खान. सो वॉट वॉज द नेम ऑफ ओल्ड मैन? अबू खान. सो ही कैप्ट अ फ्यू गॉड्स एज पैट्स. पैट्स का मीन्स क्या होता है बेटा? पालतू जानवर. ओके, तो वह गॉड्स को एज ए पैट्स के रूप में रखता था. ओके, वह उनको पालता था. सो ही वुड गिव ईच ऑफ देम ए फनी नेम. एक उसकी हैबिट थी. व्हाट वाज हिज हैबिट? कि वो एवरी गॉड को कोई फनी नेम दे देता था. ओके, तो फनी नेम, मजाकिया नेम. जैसे कि अबू खान वाज हाउ एवर अ लिटिल अनलकी. हालांकि वो उन जो गॉड्स थी उन्हें फनी नेम देता था. जैसे कि किसी का कलर काला है तो उसे कालू बोल देना. ओके, जो सफ़ेद है तो उसे धन्नो बोल देना. तो इस तरह से उसके थोड़े से मजाकिया नेम, फनी नेम वो रख देती थी. इसके साथ साथ उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो एक समस्या थी, अल्लत था उसका, कि वेरी ऑफन एट नाइट. वेरी ऑफन मीन्स अधिकतर, प्राय. एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड ब्रेक द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है? कि एक आपने रस्सी देखी होगी गॉड जिससे बंधी होती है. ओके, तो उस फंदे को वो ब्रेक कर देती थी, तोड़ देती थी. एंड गो अप द हिल्स. और वो हिल्स की साइड में चली जाती थी, पहाड़ों की साइड में चली जाती थी. इट वॉज सो बिकॉज द गॉड्स लव्ड फ्रीडम. शायद ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो वो गॉड्स होती थी उन्हें फ्रीडम पसंद है. एवरी एनिमल, एवरी ह्यूमन बींग लाइक द फ्रीडम. उसे फ्रीडम पसंद होती है. हिज गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. उसकी जो बकरियां होती थी, उसकी जो गॉड्स होती थी, ब्रीड मीन्स होता है बेटा प्रजाति. जैसे कि आपने देखा होगा डॉग्स में भी मैनी टाइप्स ऑफ डॉग्स होते हैं. ओके, कोई किसी तरह का डॉग्स होता है, कोई बुलडॉग होता है. ओके, कोई एकदम भेड़िए की तरह होता है. तो उनके सबके ब्रीड होती हैं, वो जातियां होती हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं. तो वो जो गॉड्स वो जो एज ए पैट रखता था वो बेस्ट होती थी. सो गॉड्स इन द हिली रीजन्स हेट बींग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. और वो जो थी होती थी वो जंगली बकरियां होती थी, तो उन्हें जो है बंधे रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था. सो बट दिस फ्रीडम कॉस्ट देम देयर लाइव्स. लेकिन जब वो उस फ्रीडम को छोड़ देती थी और वो जंगलों की तरफ चली जाती थी तो उन्हें अपना जीवन देना पड़ता था. उस फ्रीडम की जो कॉस्ट होती थी वो क्या होती थी? डेथ. दे वर ईटन बाय एन ओल्ड वॉल्फ. एक वॉल्फ था जो कि बूढ़ा हो चुका था, उसके द्वारा उसे खा लिया जाता था. हु लिव्ड इन द हिल्स. जो कि पहाड़ की चोटियों में ही रहता था, उस पहाड़ियों में ही वो रहता था. वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड गॉन. एक दिन जब उसकी सारी बकरियां चली गईं, इट मीन्स उनकी जो स्ट्रिंग थी वो ब्रेक हो जाती थी और वो पहाड़ियों की साइड में चली जाती थी. वहाँ पर ओल्ड वॉल्फ था, बूढ़ा एक भेड़िया था, तो वो उन्हें खा जाता था. तो इस तरह से उसकी जो सारी की सारी जो बकरियां थी वो चली गई. अबू खान बिकेम वेरी सैड. अब अबू खान जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. सो ही डिसाइडेड टू हैव नो मोर गॉड्स एज पैट्स. अब उसने निर्णय किया कि वो अब और अधिक पैट्स नहीं रखेगा. ओके, सो हाउ एवर ही चेंज्ड हिज माइंड सून आफ्टर. हालांकि उसने कुछ समय के बाद वो जो उसने डिसाइड किया था वो फिर चेंज कर दिया. इट वॉज सो बिकॉज विदाउट द गॉड्स ही बिकेम वेरी लोनली. क्योंकि जो गॉड्स थी वो उसके एज ए एंटरटेनमेंट का भी वर्क करती थी, उसके टाइम का भी जो एक टाइम गुजारने का एक उसका था, साधन था उनका. सो वह उसके बिना लोनली फील करता था. सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू हैव अ गॉड एज ए पैट. कि उसने जो है उस एक बकरी को पालने का निर्णय किया. सो बेटा नाउ ही बॉट अ वेरी यंग गॉड.
एक बहुत ही यंग गॉड, छोटी बकरी थी, उसे लेकर आया। ही थॉट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर, कि वो उसके साथ अधिक समय तक रुकेगी। सो ही डिसाइडेड टू लव दैट गॉड सो मच दैट इट वुड नेवर गो अवे। उसने निर्णय किया कि वो इस बकरी को इतना प्यार करेगा कि इट वुड नेवर गो अवे, कि ये कभी नहीं जाएगी उसे छोड़कर। सो ही बॉट अ प्रीटी यंग गॉट, इसलिए उसने एक बहुत ही सुंदर सी बकरी खरीदी। ही नेम्ड इट चांदनी, और उसने उसका नाम क्या रखा? चांदनी। सो स्टूडेंट्स, चांदनी लिव्ड विद अबू खान फॉर सेवरल इयर्स, कई साल तक वो चांदनी जो थी अबू खान के साथ रही। बट वेन इट ग्रू अप इट ऑल्सो फेल्ट द अर्ज ऑफ गोइंग अप टू द हिल्स। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, धीरे धीरे उसने महसूस किया, फेल्ट मीन्स क्या होता है, फील, महसूस करना, द अर्ज, अंदर से उसके एक आवाज आई ऑफ गोइंग अप द हिल्स, कि वो भी हिल्स की साइड में जाएगी। शी रेन टूवर्ड्स देम बट द रोप वुड स्टॉप हर। वह उस ओर भागती थी, उस हिल्स की साइड में भागती थी, बट जो स्प्रिंग थी, जो रॉप थी, वो उसे रोक लेती थी। सो सी बिगेन टू हेट द रॉप, उसने उस रॉप को हेट करना शुरू कर दिया। राउंड हर नेक, जो उसके नेक के चारों तरफ थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ होमवर्क। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एज ए होमवर्क में करना है, वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव? तो यू नो वेल, इन अल्मोरा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिज नेम, उसका नेम क्या था? व्हाट वाज हिज नेम? अबू खान। व्हाट डिड ही कीप, वो क्या रखता था? गॉड्स। एंड हु एट ऑल द गॉड्स? ओल्ड वॉल्फ, एक बूढ़ा भेड़िया था, वो उसे खा जाता था। वाई वॉज अबू खान सैड, अबू खान क्यों दुखी था? बिकॉज ऑल द गॉड्स हैड गॉन, क्योंकि सारी बकरियां जा चुकी थी, ठीक है, उसके पास से। व्हाट वॉज द नेम ऑफ प्रीटी यंग गॉड, जो बहुत ही प्यारी सी गॉड थी, उसका क्या नाम था? तो इट्स नेम वॉज चांदनी, उसका नेम क्या था? चांदनी, विच वॉज नेम्ड बाय अबू खान, जो कि अबू खान के द्वारा रखा गया था। सो स्टूडेंट्स, यू आर टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके? सो आई विल चेक टुमारो। थैंक यू बेटा।